एकमात्र डिसअपॉइंटमेंट, माय ओनली डिसअपॉइंटमेंट इज विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1500 मिलियन, 6 शेड्स काफी है क्या आपको? क्या हेलो एंड वेलकम टू शेड्स ऑफ पिंक, आई एम सुष्मिता एंड आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रेव्ड अबाउट प्रोडक्ट। आपको पता है कि मार्केट में लास्ट ईयर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और हम आज इसके बारे में बात करना चाहेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सबको वो सारी बातें बताऊंगी जो दूसरे नहीं बताएं, फ्यू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के तरीके। ओके मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एक साइड में अगर मैं सिर्फ फाउंडेशन के साथ यूज़ करूँ, दूसरी साइड में बिना फाउंडेशन के, तो कैसे दिखता है। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट खरीदने लायक है कि नहीं। बेसिकली दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम गोइंग टू गिव यू माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट। पैकेजिंग ये है इसकी, पैकेजिंग एंड द पैकेजिंग इज ब्रिलियंटली मेड, वेल क्राफ्टेड, वेल डिजाइंड। ओके तो मुझे ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। बॉटल पे आते हैं तो बॉटल आपको सबको पता है कि ग्लास पैकेजिंग है। ओके इसका जो कैप है ये ब्लैक कलर में है, इसको आप ट्विस्ट करेंगे तो ओपन कर पाएंगे। अंदर आपको एक 2 फुट एप्लीकेटर दिखेगा। ये जो 2 फुट एप्लीकेटर है, आई थिंक इसकी जगह पे एक पंप दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जनरली 2 फुट एप्लीकेटर हम इसीलिए नहीं प्रेफर करते बिकॉज इससे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगाते हैं एंड बिकॉज हम इसे स्किन पे लगाते हैं हमारे स्किन पे अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें फ्रेग्रेंसेस से एलर्जी है। सो बेसिकली इफ़ यू आर ससेप्टेबल टू फ्रेग्रेंसेस यू मे नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंट है तो मैं इसे यूज़ कर पाती हूँ। अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो हो सकता है ये आपके लिए एक नया हो। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, अगर आप इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ ग्रेट बैंग फॉर द बक प्रोडक्ट। ये 875 का था जब मैंने इसे मिंत्रा में खरीदा। आई बॉट इट फॉर 682 बक्स ऑन अ सेल एंड आई वॉज देयर वेरी हैप्पी। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो या इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 out of 5। रहा सवाल कवरेज और टेक्स्चर, ये जो प्रोडक्ट की टेक्स्चर है मैं आप सबको दिखाती हूँ। टेक्स्चर ऑफ द प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ग्रीसी है, बहुत ही क्रीमी है और बहुत थिक है डेंसिटी में। सो इतना थिक प्रोडक्ट क्या वो आसानी से पंप आउट हो सकता है? दैट इज अगेन अ कंसर्न, बट नेवरदलेस मैं स्टिल यही चाहूंगी कि दिस कम्स इन अ पंप। अब इसे थोड़ा ब्लेंड किया जाए। फॉर्मूला बेहतरीन है, ब्लेंडेबिलिटी अमेजिंग है, क्रीम के जैसे एकदम मक्खन जैसे ब्लेंड हो जाती है। दिस इज वॉट एनी बडी वुड लाइक टू हैव। इसका USP क्या है अगर बात किया जाए तो, आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगी मैं फाउंडेशन रोज़ नहीं लगाती। इनफैक्ट कोई भी इंडियन रोज़ फाउंडेशन नहीं लगाता। स्किन टेंट ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए। इंडियंस फाउंडेशन किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैन अ टेंट, ठीक है। बट एक टेंट इज समथिंग विच वी कैन यूज़ रेगुलरली, ये एक एडवांटेज हमें देता है, ठीक है। दिस इज वन रीज़न वाई पीपल वुड लव टू बाई दिस। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मेबलिन के फ्रेश टिंट के साथ तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेबलिन का जो फ्रेश टिंट था इट इज़ मोर ऑफ अ फाउंडेशन, क्योंकि उसमें कोई ग्लो नहीं था एंड दिस इज दिस ल्यूमिनस स्किन टिंट। तो इसमें ज़्यादा कवरेज की बात नहीं होती, ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी की बात होती है, ज़्यादा ग्लो की बात होती है। तो बिकॉज इसमें ग्लो की बात होती है, इसमें ग्लो वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये अपने चेहरे पर टेस्ट करके दिखाऊंगी। अभी बहुत ज़रूरी बात बतानी है, शेड्स, ठीक है। तो इसके आते हैं 6 शेड्स। अब द फैक्टर इज विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1500 मिलियन पीपल, 6 शेड्स काफ़ी है क्या? सो फॉर मी ये पूछें कि 6 शेड्स काफ़ी है कि नहीं, तो मैं आपको ये बोलूँगी नहीं है, 6 शेड्स काफ़ी। सो दिस वॉज अबाउट द शेड्स पर। अब मैं आप लोगों को मेरे स्किन के 2 साइड पर टेस्ट करके दिखाऊंगी। ऑन माई राइट हैंड साइड मैं इसको सिर्फ स्टैंड अलोन लगाने वाली हूँ, ठीक। आपको क्या लगता है? सो इफ यू टॉक अबाउट द ग्लो, आई विल गिव इट अ 4.5 out of 5 बिकॉज आई एम रियली रियली हैप्पी विद द ग्लो। ऑन दिस साइड ऑफ द स्किन आप देख सकते हैं कितना ग्लो है, इसका ग्लो कितना शानदार है। ओके इट इज
एब्सोल्युटली स्टनिंग. अब देखते हैं दूसरे साइड पे, मैं इसको परफेक्टिंग लिक्विड के साथ लगाऊंगी. फर्स्ट डॉट द परफेक्टिंग लिक्विड आउट ऑन माय फेस अ लिटिल बिट. अरे यार, आप सब देख सकते हैं मेरे राइट में कोई फाउंडेशन लगा हुआ नहीं है, लेफ्ट साइड में मैंने इसे फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करके लगाया है. ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज लाइक अ मिरेकल. आज पहली बार आप लोगों के साथ मैं बैठकर इसे वीडियो पे बाकायदा एक फाउंडेशन के साथ मिला के लगा रही हूँ एंड आई कैन फील द डिफरेंस. और सब देख सकते हैं कि ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट, राइट का चेहरा ज़्यादा ग्लोई तो लग ही रहा है बट लेफ्ट में कोई ग्लो मुझे नहीं लगता कि कम है. और मैं सीरियसली, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना अच्छा ग्लो देगा. तो यस गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि अरे यार ये कवरेज नहीं देता, तो व्हाई नॉट अप्लाई इट विद अ फाउंडेशन. इट विल डेफिनेटली डू जस्टिस. दिस इज नोवेयर अ डिसअपॉइंटमेंट. मैं बहुत खुश हूँ विथ हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स. आई होप मेरा रिव्यू और मेरा डेमो आप सबको हेल्पफुल लगा. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मुझे बताइए कि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं. इस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इट विल हेल्प मी ग्रो. थैंक यू ऑल, बाय बाय.